दादाजान आप उठ गए? आए दादाजान, हमारे साथ नाश्ता करें। बेटा, मैं सुबह फजर से उठा हुआ हूँ और अब नाश्ता किए हुए भी एक घंटा होने वाला है। आप लोग नाश्ता करो। रेहाना बेटा, हुसैन काम पर गया? जी अभी देर से उठे थे तो बगैर नाश्ता किए ही चले गए और आपसे मिले भी नहीं। कितनी बार कहा है, आप लोग जल्दी नहीं सोओगे तो बच्चे कैसे जल्दी सोएंगे? इसीलिए नींद पूरी नहीं होती। ये मोबाइल नामी जिन जब से बोतल से बाहर आया है, जिंदगी तूफान बन गई है। दादा जान, ये जल्दी उठने और देर से सोने में मोबाइल कहाँ से आ गया? बेटा, मोबाइल और नींद एक दूसरे के दुश्मन है। जब तक मोबाइल को साथ लगाए रखोगे और ये सोचते रहोगे कि मैं तो नींद के इंतजार में वीडियो देख रहा हूँ, तो तब तक मोबाइल ही आपकी नींद की राह में रुकावट बना रहेगा। इसलिए सोने से कम अज कम एक घंटा पहले मोबाइल को खुद से दूर कर लो। अपना बिस्तर खुद बिछाओ, वजू करो और दुआ पढ़ के सोने की कोशिश करो। अगले दिन मेरी तरह जल्दी उठोगे और ज्यादा काम कर सकोगे। इंशाल्लाह दादा जान, आपकी बात को आज ही आजमाएंगे। इंशाल्लाह। मामा, मैं बाबा के पास दुकान पर जा रहा हूँ, हमारा खाना पैक हो गया है तो दे दें। जी जी बेटा, बस पैक कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम बेटा, उठ गए? आज जल्दी नहीं उठ गए? लो, अभी नाश्ते पर दादा जान की नसीहतों का तड़का लगा है। हैं? वो क्यों? क्योंकि आज आप उन्हें मिलकर नहीं आए तो वो आपका पूछ रहे थे मामा से। हमारी मासूम मामा ने सब कुछ सच सच बता दिया। बस फिर क्या था, रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने के फायदे बताते हुए दादा जान ने मोबाइल को जिन करार दे दिया। सब छोड़ो, ये तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी अम्मी मासूम है? मेरी मामा तो मासूम है, आपकी बेगम का नहीं पता। बहुत बातें आ रही हैं, आ गए हो तो काम पर ध्यान दो, शाबाश। मासूम मामा ने आपके लिए खाना भेजा है, खा लीजिएगा। अपने पास रखो ये। सोनिया, चलो बेटा, मैं किचन में काम कर रही हूँ, तुम घर का झाड़ू पोछा कर लो, फिर नमाज का टाइम हो जाएगा। एक तो हर वक्त मोबाइल को देखती रहती हो, पता नहीं क्या है ऐसा इसके अंदर। बस मामा, अभी सुबह नाश्ते पर ही दादा जान की सलवाते सुनी है ना, काफी है, आप नेक्स्ट टाइम सुना दीजिएगा। शुक्र करो बेटा, हमारे घर में एक बुजुर्ग है जो हमें अच्छी बुरी बातें बताते हैं, उनसे पूछो, जिनके पास ऐसी रौनकें नहीं है, तरसते हैं वो लोग। आज के बाद अपने दादा जान के बारे में कोई ऐसी उल्टी बात ना सुनूं मैं। इनकी कदर किया करो बेटा, आजकल बुजुर्ग वैसे ही तेजी से खत्म हो रहे हैं, अगर हमें मयसर हैं तो इनको संभाल के रखना फखर होना चाहिए। इनकी हर बात सुना करो और अच्छी बातों को माना भी करो, और बुढ़ापे की वजह से अगर किसी बात पर गुस्सा हो जाए तो खामोशी से सुन लिया करो, वो तुम्हारे फायदे के लिए ही बोल रहे होते हैं ना। आप उठो और काम करती हुई नजर आओ। जी अच्छा।
कौन? खोलो। आ गए आप लोग? हाँ, आज काम हो गया था तो सोचा जल्दी चलते हैं। अच्छा किया। ओहो, आज ये सूरज ठीक ही निकला था ना? ज्यादा मत बोलो, खुद तो काम नहीं करना, ऊपर से जो कर रहा हो उसे बातें सुनाना। नहीं नहीं, मैं तो तारीफ कर रहा था, अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो नहीं करता। अभी और इसी वक्त अपनी शक्ल गुम कर ले, वरना दादा जान से बोलकर गार्डन की सफाई पर लगवा दूंगी। अच्छा अच्छा बाबा, माफी चाहता हूँ, जा रहा हूँ। सोनिया, पारस, गार्डन में आ जाओ, अपने बाबा और दादा जान को भी बुला लो, मिलकर चाय पीते हैं, मैंने फ्रेंच फ्राइज बनाए हैं। वाओ मामा, क्या बात है, आज तो काम की सारी थकावट दूर हो जाएगी। ये अच्छा किया जवान, पारस को साथ ले जाते हो, जब तक इसकी गर्मियों की छुट्टियां खत्म होंगी तब तक कुछ न कुछ सीख ही जाएगा। जी दादा जान, मैं तो कुछ न कुछ सीख जाऊंगा, लेकिन ये महारानी की आदतें खराब हो जाएंगी। नहीं नहीं, आज सोनिया बेटी ने बहुत काम किया है, आज तुम्हारी दादी की तरह सारे घर की सफाई कर डाली इसने। क्या मतलब, सब कुछ बेच कर आ गई क्या? बदतमीज। चाय तो मजे की बनी है। जी शुक्रिया, आप फ्राइज भी लेना। चलो सोनिया, मेरे साथ बर्तन समेटो और वजू के लिए पहुंचो। चलें आप लोग भी जब तक नमाज पढ़ाएं। दादा जान, एक बात तो बताएं। बोलो बेटा। क्या हमारी दादी जान भी मासूम थी? फारिस। कहाँ जा रही हो बेटी? जी जी अब्बू, इसे रोकने ही जा रही हूँ, देखे ना क्या हरकत है, ये कोई गाना गाने की जगह है? अभी मत रोको, अभी वो अपनी धुन में है, अभी रोकने पर उसे असर तो कोई नहीं होगा, उल्टा वो गुस्सा अलग करेगी। वो बाहर आएगी तो मैं खुद समझा दूंगा। जी अच्छा। रुको बेटा सोनिया। जी दादा जान। बेटा आप वॉशरूम में गाना गाने गई थी? नहीं दादा जान, बस आवाज थोड़ी अच्छी हो जाती है इसलिए वहाँ गाना गाने का खुद ब खुद दिल करता है। बेटा हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हम तक पहुँचाया है उसमें तो हमें वॉशरूम में बात करने तक की इजाज़त नहीं है। हमें गाना गाना भले अच्छा लगता हो, अगर इस्लामी तालीमात के बरखिलाफ होगा तो उसे हम छोड़ देंगे। बेटा कोशिश करो कि आपकी ये आदत खत्म हो जाए। जी दादा जान, मैं कोशिश करके देखूंगी। चलो फारस, सोनिया, सोने का टाइम हो गया है, जल्दी से वॉशरूम से हो आओ और सोने की कोशिश करो। चलो शाबाश। रुको तुम दोनों। जी दादा जान। बेटा हम मुसलमान लोग हैं, हमारे मजहब ने हर एक चीज के आदाब बताए हैं ताकि हमारी जिंदगी में नज्म ज़ब्त बरकरार रह सके। एक ठहराव
और सुकून कायम रहे। कोई भी काम शुरू और खत्म करने का ढंग इस्लाम हमें बताता है। कहने को बाथरूम जाना और बाहर आना बहुत मामूली काम है, लेकिन इस्लाम ने इस अमल को बहुत अहमियत दी है क्योंकि इसका ताल्लुक तहारत और पाकिजगी से है। बाथरूम के अंदर जिन्नात मौजूद होते हैं और बुरे जिन्नात हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दादा जान, हम इन जिन्नात से कैसे बच सकते हैं? हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाथरूम में दाखिल होने और बाहर आने की दुआएं सिखाई हैं। दादा जान, बाथरूम में दाखिल होने की दुआ तो जिन्नात से हिफाजत के लिए है, लेकिन बाथरूम से बाहर आते वक्त दुआ क्यों पढ़नी है? इसलिए बेटा कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमारी हिफाजत फरमाई और हमें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा। तो दादा जान, हम ये दुआएं कैसे सीख सकते हैं? आप लोग मेरे साथ पढ़िए बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث। ترجمہ: اے اللہ، تیری پناہ چاہتا ہوں شیطانوں سے اور ان شیطانوں سے جو مذکر بھی ہیں اور مؤنث بھی۔ بیت الخلا سے باہر آنے کی دعا: الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی۔ الحمدللہ الذی اذهب عن الاذى وعافاني۔ ترجمہ: اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے تکلیف دور کی اور مجھے عافیت بخشی۔ اب آپ لوگوں نے ان دعاؤں کو روز پڑھنا ہے۔ اگر کچھ بھول جاؤ تو ایک دوسرے سے پوچھنا ہے، اگر دونوں کو یاد نہ آئے تو میرے پاس آ جانا، لیکن انہیں اپنا معمول ضرور بنانا۔ جی دادا جان، ہم ان دعاؤں کو روز پڑھا کریں گے۔ شاباش، اب جاؤ اور سونے کی جلدی سے کوشش کرو۔ جیتے رہو میرے بچوں، خوشی ہوئی تم لوگوں کو صبح جلدی اٹھتا دیکھ کر۔ شکریہ دادا جان۔ دادا جان، ہم نے آپ کی بتائی ہوئی دعائیں یاد کر لی ہیں اور انہیں باتھ روم جاتے اور باہر آتے وقت پڑھنا بھی شروع کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ بیٹا، اللہ تعالیٰ استقامت دے۔ آمین۔ ویسے دادا جان، میں ایک بات سوچ رہا تھا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ ہمارے دادا ہیں، ہمیں اچھی بری بات بتاتے ہیں، ہمیں صحیح غلط کا اندازہ ہوتا رہتا ہے۔ میرے دوست سمیر کے تو ابو بھی نہیں ہیں، لیکن وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ اسے ہمارے دین کی کافی باتیں پہلے سے پتہ ہوتی ہیں جو میں آپ سے سن کر اسے بتاتا ہوں۔ جن کے پاس ان کے بڑے نہیں ہوتے، انہیں اچھی باتیں کون بتاتا ہے؟ بیٹا، یہ باتیں تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، مجھ جیسے تو بس ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ کو جس شخص کو اپنی بات بتانی ہوتی ہے، وہ اس کا انتظام بھی خود ہی فرما دیتا ہے۔ وہ اللہ جو ہمارا رب ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے۔